हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर मार्केट फ्रेंड अगेन। आज इस वीडियो में मैं मार्जिन्स के बारे में बात करने वाला हूँ। जो लोग शेयर्स में ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्हें मार्जिन कंसेप्ट मोस्टली तो पता होता ही है कि इतने लेवरेजिंग करके हम बहुत थोड़े से मार्जिन पे बहुत सारा बड़ा लंबा ट्रेड कर सकते हैं। मगर बहुत सारे लोगों को इसके डिटेल कंसेप्ट, बेसिक्स जो होते हैं, ये ओरिजिन कहाँ से होता है चीज़ों का, वो पता नहीं होता है। तो वो हम अगर समझने की कोशिश करेंगे तो हमारा अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप हो जाता है और हमें बहुत सारी उससे जुड़ी हुई बहुत सारी जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें वो समझने में आसानी होती है। तो मेरे एक व्यूअर हैं, उन्होंने रिसेंटली, मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था मार्जिन के ऊपर, चेंज इन ऑप्शन मार्जिन जो सेबी ने चेंज किया था ऑप्शंस का, तो उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि स्पैन मार्जिन और एक्सपोजर मार्जिन जो ऑप्शंस में यूज़ होता है उसमें फ़र्क क्या है। तो यहाँ पर मैंने उसके बेसिक फॉर्मूलेज निकाल के रखे हैं। इसमें जो दो जो टोटल मार्जिन होता है, जो वोलेटिलिटी और पूरा एक्सपोजर पे बेस्ड होता है, तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो स्पैन मार्जिन और एक्सपोजर मार्जिन। मैं इसका पहले बेसिक बता रहा हूँ फॉर्मूला वगैरह, और फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा जो डॉक्यूमेंट है उससे। तो ये जो स्पैन मार्जिन होता है, ये बेसिकली पीएसआर से ओरिजिनेट होता है। पीएसआर बेसिकली क्या है, तो स्टॉक का एक दिन में बुरे से बुरा मूवमेंट कितना हो सकता है। मतलब स्टॉक अगर कोई 100 रुपये पे चल रहा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके हिस्ट्री पे बेस्ड या फिर अलग कैलकुलेशन यूज़ करके वो कितना बुरा ज़्यादा से ज़्यादा गिर सकता है और कितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकता है, तो उस बेसिस पे बेस्ड एक दिन का जो वोलेटिलिटी या फिर डेविएशन पकड़ते हैं। और तो वो वर्स्ट पॉसिबल जो मोमेंट है वो पकड़ते हैं कि 3 स्टैंडर्ड डेविएशन इंडेक्स का होना चाहिए। इंडेक्स की वोलेटिलिटी बेस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, फिर उसका 3 times पीएसआर पकड़ते हैं। तो अभी सेबी ने मैंडेट किया है कि 2 दिन का पीएसआर मल्टीप्लाइड बाय, मतलब उसको गुना कर देंगे 1.41, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो वो जो वैल्यू आएगा वो होगा स्पैन मार्जिन। और अलग अलग उसमें कंपेरेटिव सिलेक्शन है कि अगर ये कम हुआ तो 5% फॉर इंडेक्स और 7.5% फॉर स्टॉक विच इज़ हायर। तो ये स्पैन मार्जिन हो गया, क्या फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं। और एक्सपोजर मार्जिन स्पैन छोड़ के जो दूसरा जो एक्सपोजर मार्जिन होता है वो 4.24% फॉर इंडेक्स होता है, टोटल लॉट का जो वैल्यू है उसका, और 7.07% और 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें से जो भी ज़्यादा हो वो इंडिविजुअल स्टॉक के लिए होता है। तो स्टॉक के लिए मोस्टली ये ज़्यादा होता है और इंडेक्स के लिए थोड़ा कम होता है, क्योंकि इंडेक्स में वॉलेटिलिटी इतनी नहीं होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है फॉर्मूला वाइज या फिर कैलकुलेशन वाइज, अंडरस्टैंडिंग वाइज स्पैन और एक्सपोजर मार्जिन में। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, ये शुरू कहाँ से होता है मार्जिन कंसेप्ट, और वो हम एक्सपोजर मार्जिन या फिर अलग अलग इससे जो जुड़ी चीज़ें वो इस डॉक्यूमेंट से समझने की कोशिश करेंगे। ये जॉइंटली पब्लिश्ड है, एनएससी और बीएससी ने पब्लिश किया था, उनके वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसमें इन्होंने मोस्टली 15 से 20 अलग अलग क्वेश्चन एफएक्यू टाइप फॉर्मेट में दिया हुआ है, जिसमें इन्होंने 4 से 5 जो मेन मार्जिन से रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो कवर किए, और लास्ट में कैलकुलेशन एनेक्शर 1 और एनेक्शर 2 दिया हुआ है, जिसमें अलग अलग जो फॉर्मूलेज यूज़ किए वो एक्सप्लेन किए हुए एंड में। तो हम जानने की कोशिश करेंगे पहले, सबसे पहले कि मार्जिन बेसिकली क्या होता है। तो मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें या फिर जो आपने देखना चाहिए बेसिकली वो हाईलाइट किया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई शुड देयर बी मार्जिन, मार्जिन की ज़रूरत क्या है, मार्जिन की रिक्वायरमेंट क्या है। तो फर्स्ट एक बेसिक केस या फिर बेसिक सिनेरियो इन्होंने अज्यूम किया शुरुआत करने के लिए टॉपिक की, कि आप सपोज आप समझो कि किसी से 1 लाख रुपए के शेयर का बाय ऑर्डर डालते हैं, बाय ऑर्डर दे देते हैं, और दूसरा जो है वो 1 लाख रुपए के शेयर सेल करने के लिए तैयार हो जाता है, और वो भी वादा कर देता है कि हाँ मैं 1 लाख रुपए के शेयर बेच दूंगा। मैं मेरा अंडरस्टैंडिंग आपके साथ शेयर करूंगा इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, ये कोई रेगुलेशंस वगैरह नहीं है, तो ये बेसिक सिंपल एक्सप्लेनेशन है और ये कोई मैंडेटरी कंसिडरेबल नहीं है। तो एक इसको एक लाइट नोट पे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लीजिए, और प्लीज़ मेरा डिस्क्लेमर रेफ़र कीजिए वीडियो को रेफ़र करने से पहले किसी भी डिसीजन के लिए। तो सपोज़ किसी ने 1 लाख रुपए शेयर बेचने का वादा कर दिया और किसी ने 1 लाख रुपए शेयर खरीदने का वादा कर दिया, तो उनको पैसे देने हैं 1 या 2 दिन बाद, जब सौदे के डॉक्यूमेंटेशन या फिर पूरे ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो अभी हो क्या जाता है कि सपोज़ समझो कि 1 या 2 दिन बाद उस शेयर का 1 लाख का प्राइस हो जाता है 15,000 से वो गिर जाता है और वो हो जाता है 85,000। तो ख़रीदने वाला क्या सोचता है कि मैंने 1 लाख रुपए बेवजह दे दिए और अब मुझे 85,000 में वो मार्केट में मिल रहा है, तो मैं ये सौदा क्यों करूँ, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे अनसीरियस जो एटीट्यूड होते हैं या फिर जो
वोलेटिलिटी होती है शेयर प्राइस में कि वो शेयर गिर भी सकता है। जो बेचने वाला है वो सोचता है कि ये सौदा होना ही चाहिए, क्योंकि उसको उस सौदे के दौरान 1 लाख रुपए मिलने वाले थे, जो अगर वो अभी सौदा करेगा तो उसको सिर्फ 85,000 मिलेंगे। तो दोनों के बीच में जो कमिटमेंट है उसको ओबे करने के लिए, दोनों ने एक दूसरे के साथ सीरियसली ट्रांजेक्शन करने के लिए, हम दोनों के पास से 15-15 हज़ार का मार्जिन ले लेते हैं। तो अगर स्टॉक में 15,000 का ड्रॉप भी आता है और जो ख़रीदार है वो ट्रांजेक्शन कैंसिल कर देता है, वो कहता है कि मुझे नहीं लेना है, तो वो जो 15,000 है वो हम उससे कट कर लेंगे और ट्रांजेक्शन क्लोज कर देंगे। और जो सेलर है उसको हम, वो अगर वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है थर्ड पर्सन से, तो वो ट्रांजेक्शन उधर हो जाएगा और 15,000 से वो कंपेंसेट हो जाएगा। तो ऐसा जो इंटरनल बाइंडिंग है कि जो दो पार्टीज़ हैं उनके बीच में सीरियसनेस लाने के लिए, उनके बीच में एक समझौते का लेवल बरकरार रखने के लिए कि कोई भी इस सौदे से बैक ऑफ नहीं करेगा, कोई भी ये सौदा कैंसिल नहीं करेगा, और जो भी वेरिएशन आएगा वो वेरिएशन को हैंडल करने के लिए हमें एक अमाउंट दोनों के पास से लेना पड़ता है। तो ये एक बेसिक सिंपल इनिशियल आप डेफिनेशन पकड़ सकते हैं कि दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन को इंश्योर करने के लिए हम उनके जो ऑब्लिगेशंस है वो कंप्लीट होने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट जो कि डिसाइड करते हैं अलग अलग फॉर्मूले से वो ले लेते हैं, तो उसे मार्जिन कहते हैं। उसके वजह से क्या होता है, सिर्फ 15,000 रुपये देकर आप सौदा कर सकते हैं। तो हम देखते ही हैं कि हमें पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब तक हम वो वोलेटिलिटी के जोन में काम करते हैं या फिर ज़्यादा शेयर का मूवमेंट नहीं होता है, तो हमारा कम मार्जिन में ही सौदे हो जाते हैं और फ़ायदे नफ़े के हिसाब से हम उसको क्लोज कर सकते हैं, जिसके वजह से डे ट्रेडिंग एक्चुअली पॉसिबल होता है। तो सेकेंड कंसेप्ट है कि इसमें दिया हुआ है कि वोलेटिलिटी क्या है। ओके, तो ये इनका कहना है कि अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीके से वोलेटिलिटी को डिफाइन किया जाता है। तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे किया है कि जो हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी है उसको कंसिडर किया और उससे रिलेटेड एक फार्मूला दिया है कि जो सपोज़ कोई एक शेयर है जिसका प्राइस आज 100 रुपये, कल वो 102 रुपये हो जाता है, परसों 103 रुपये हो जाता है, और 3 दिन बाद उसका प्राइस हो जाता है 99 रुपये। तो पहले दिन इसके अंदर वेरिएशन आता है 1 रुपये का, फिर 1 रुपये का, और फिर 3 या 4 रुपये का। तो ऐसा वेरिएशन को हम पकड़ते हैं, एक दिन का 1 रुपया, दूसरे दिन का 2 रुपये, तीसरे दिन का 4 रुपये, और ऐसे एक लिस्ट बनाते हैं। और उन सब का यहाँ पे एक फार्मूला दिया हुआ है, नेचुरल लॉग ऑफ टुडेज़ क्लोजिंग प्राइस डिवाइडेड बाय यस्टरडेज़ क्लोजिंग प्राइस। कल की जो क्लोजिंग प्राइस, आज की क्लोजिंग प्राइस को कल की क्लोजिंग प्राइस से डिवाइड करके हम उसका नेचुरल लॉग ले लेंगे, और ये वैल्यूज़ में जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, एक्चुअली इसमें दो कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट यूज़ किए, पहला तो नेचुरल लॉग आज की प्राइस का और कल की क्लोजिंग प्राइस का शेयर की, और दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक तरीके का हमें आइडिया दे देता है, ये एक फार्मूला है जो एक्सेल शीट में वगैरह ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। अगर आपके पास अलग अलग वैल्यूज़ हैं उनको आप डायरेक्टली स्टैंडर्ड डेविएशन लगा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्टैंड एक पर एक जिसे हम पकड़ सकते हैं कि ये 6 महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इसका वेरिएशन इतना होता है और कम से कम इतना होता है। तो उन सब का एवरेज जैसा एक कंसेप्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसके वजह से हमें एक आइडिया आ जाता है कि जितना स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा उतना वो ज़्यादा वाइब्रेट होता है, और जितना स्टैंडर्ड डेविएशन कम उतना उसके वाइब्रेशंस या फिर वोलाटिलिटी हम कह सकते हैं कि कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइस मूवमेंट्स एंड वोलाटिलिटी। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है कि प्राइस मूवमेंट में और वोलाटिलिटी में क्या फ़र्क है। प्राइस मूवमेंट अगर कोई 100 रुपये का शेयर है तो 101, 102, 103 भी हो सकता है, मगर वोलाटिलिटी उसी को इसके अंदर प्राइस मूवमेंट सिर्फ 3 रुपये का, वो भी एक ही डायरेक्शन में, मगर वोलाटिलिटी सिर्फ 1 रुपये की है, कि हर दिन वो 1 रुपया 1 रुपया बढ़ रहा है और चौथे दिन वो एक साथ 6 रुपये कम हो जाता है। तो प्राइस मूवमेंट तो कुछ नहीं हुआ, वो 100 का 100 है, पहले दिन वो 100 का 101 हो जाता है, दूसरे दिन 102 हो जाता है, तीसरे दिन 103, फिर 105, 106, और छठे दिन वो 6 रुपये पूरा धड़ाम से कम हो जाता है और 100 रुपये पे आ जाता है। तो प्राइस वहीं के वहीं रही, मगर वोलेटिलिटी हर दिन एक थी और लास्ट के दिन तक 6 यूनिट्स का या फिर 6 रुपये का वोलेटिलिटी उसके अंदर दिखा। तो ये एक कंसेप्ट है जो हमें समझने के लिए आसान इम्पॉर्टेंट है कि वोलेटिलिटी और प्राइस मूवमेंट में फ़र्क होता है। और फिफ्थ क्वेश्चन है, इज़ वोलेटिलिटी लिंक टू द डायरेक्शन ऑफ प्राइस मूवमेंट्स। तो ये तो मैंने एक्सप्लेन किया कि वोलेटिलिटी का प्राइस से कनेक्शन नहीं, हर दिन जो मूवमेंट होता है क्लोजिंग प्राइस बेसिस पे, तो वो वोलेटिलिटी में कंसिडर किया जाता है।
यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि वोलाटिलिटी और मार्जिन कैसे अफेक्ट होता है। तो आपने देखा होगा कभी, बहुत सारे लोगों को भी पता होगा कि चुनाव इलेक्शन आता है, इलेक्शन का रिजल्ट होता है, तो उस दिन अचानक से वोलाटिलिटी जो है वो अचानक से बढ़ जाती है, तो जिसके वजह से मार्जिन्स भी बढ़ जाते हैं और ट्रेडिंग में हमें ज़्यादा मार्जिन देने पड़ते हैं, या फिर डिलीवरी भी, अगर डिलीवरी में भी बहुत सारे अगर ट्रांजैक्शन फास्ट हो रहे हैं तो उसमें भी मार्जिन बढ़ जाता है। तो मोस्टली तो ट्रेडिंग में मार्जिन फास्टली अफेक्ट होता है, तो वोलेटिलिटी कैसे अफेक्ट की है वो हमें यहाँ से पता चलता है, मार्जिन को कैसे अफेक्ट करती है वोलेटिलिटी। 7th पॉइंट है, आर मार्जिन सेम अक्रॉस कैश एंड डेरिवेटिव मार्केट। तो यहाँ पे वो एक क्वेश्चन है कि कैश मार्केट मतलब हम जो शेयर्स, बेसिक शेयर्स में ट्रेड करते हैं या फिर बेसिक शेयर्स में डिलीवरी वगैरह लेते हैं, सॉरी, तो वो सब कैश कैश मार्केट में आ जाता है। और जो FNO है, फ्यूचर्स हैं, ऑप्शंस हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, वो सब जो आता है वो डेरिवेटिव मार्केट में आता है। तो दोनों में वोलेटिलिटी होती है मगर दोनों की अलग अलग होती है। तो उसमें से फर्स्ट इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कैश मार्केट जो सेगमेंट है उसके अंदर वोलेटिलिटी या फिर मार्जिन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो उसके अंदर तीन एस्पेक्ट उन्होंने यहाँ पे दिखा है। फर्स्ट है वैल्यू एट रिस्क, VAR मार्जिन, दूसरा जो मार्जिन होता है एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, और तीसरा जो होता है मार्केट टू मार्केट मार्जिन। तो तीसरा तो मोस्टली बहुत सारे लोगों को पता होता है, ईजी है, पहले दो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो VAR मार्जिन इज़ एट द हार्ट ऑफ मार्जिनिंग सिस्टम फॉर द कैश मार्केट सेटलमेंट सेगमेंट। VAR मार्जिन इज़ कलेक्टेड ऑन अपफ्रंट बेसिस, इन दैट रिस्पेक्ट इज सिमिलर टू द मार्जिन वी हैव सीन एग्जाम्पल Q1। तो VAR मार्जिन बेसिकली सबसे पहला जो मार्जिन होता है जो आपको जमा करना है, कि आपको कोई भी शेयर में ट्रेड करना है, बाय करना है, तो सबसे पहले जो ब्रोकर आपसे मांगता है, ब्रोकर को वही पैसा एक्सचेंजेस में जमा करना पड़ता है, क्योंकि हर दिन का एक टाइम होता है कि उतने टाइम में उनको जितने भी ट्रेड हुए या फिर जितने भी डिलीवरी लिए उससे रिलेटेड जो भी मार्जिन या फिर ट्रांजेक्शन का पैसा है उनको पर्टिकुलर टाइम तक जमा करना पड़ता है। तो अलग अलग स्टेजेस होते हैं, पहले ब्रोकर, फिर टर्मिनल, और फिर बी ब्रोकर टर्मिनल, ऐसे अलग अलग स्टेजेस होते हैं, दो तीन स्टेजेस बीच में आ जाते हैं, और फिर वो पैसा जमा हो जाता है एक्सचेंज से, फिर एक्सचेंज से दूसरे ब्रोकर को डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो उसके लिए सबसे पहले जो अपफ्रंट पहला मार्जिन जो आता है वो VAR मार्जिन आता है, वैल्यू एट रिस्क। तो इसका नाम जैसे सजेस्ट कर रहा है कि हमारी हमारा जो कैपिटल है, सपोज 1 लाख का हम शेयर सेल कर रहे हैं या फिर शेयर 1 लाख का बाय कर रहे हैं, तो उसके अंदर रिस्क कितना है। तो एक सिंपल इन्होंने एक कंसेप्ट बताया है कि 99% कॉन्फिडेंस, मतलब ऐसे ताल ठोक के जो हम बोलते हैं कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, तो वैसे मैथमेटिकली 99% कॉन्फिडेंस पकड़ के इस एसेट का मैक्सिमम वैल्यू कितना रिस्क में हो सकता है। तो अभी बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप है, तो उसमें वेरिएशन ज़्यादा आता नहीं, क्योंकि उसके अंदर कोई बड़ी बुरी खबर इतनी जल्दी आती नहीं है। अगर आती भी है तो कंपनी की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर वोलेटिलिटी या फिर रिस्क बहुत कम होता है। मगर स्मॉल कैप, सब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो स्मॉल कैप में वही प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है कि कोई प्रॉब्लम आता है तो वो रिस्क या फिर वो कंपनी सहन करने की कैपेसिटी बहुत कम होती है। तो हम 99% कॉन्फिडेंस के साथ वोलेटिलिटी कह सकते हैं कि स्मॉल कैप में ज़्यादा होता है और लार्ज कैप में कम होता है। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक के लिए पर्टिकुलर डे पे कितना हो सकता है वो हमें एक्सप्रेस किया जाता है। तो ये कैलकुलेट करने के कुछ फॉर्मूलेज हैं यहाँ पे जो दिए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको फ्लैश कर दूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 0.94 डिसम, ये डेट दिया है कि उस दिन की वोलेटिलिटी मल्टीप्लाइड बाय दूसरे दिन उसी दिन की वोलेटिलिटी प्लस 0.06, तो ऐसे नेचुरल लॉग रिटर्न ये वो सब करके कैलकुलेट किया जाता है। और ख़ास करके VAR जो कंप्यूट है, कंप्यूट किया जाता है वो वेटेड मूविंग एवरेज मेथोडोलॉजी यूज़ करके किया जाता है। बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस 94% वेट दिया जाता है वोलाटिलिटी को ऑन T1 डे, और 6% वेट दिया जाता है T डे के रिटर्न पे। तो 2 दिन की वोलाटिलिटी पकड़ के ये कैलकुलेट किया जाता है। और ये VAR जो मार्जिन है कैश के अंदर जो कंसिडर किया जाता है, उसके अंदर तीन कैटेगरीज में कंपनीज को क्लासिफाई किया जाता है। उसके अंदर इम्पैक्ट कॉस्ट का कंसिड्रेशन किया जाता है। इम्पैक्ट कॉस्ट वो होता है कि सपोज़ आप 100 रुपये का शेयर बाय करने के लिए कोड देते हैं कि मुझे 100 रुपये में ये शेयर चाहिए, और वो बेचने वाला तैयार है 101 रुपये के लिए, तो दोनों के बीच में 1 रुपये का जो कॉस्ट है
वो जितना ज़्यादा होगा उतना इम्पैक्ट कॉस्ट, या फिर सपोज़ कोई 100 रुपये का डिमांड करता है और 102 में बेचने के लिए तैयार है, तो वो जो डिफरेंस है दैट डिफरेंस इज़ कॉल्ड एज, या फिर उस तरीके के जो गैप है बेड और ऑफर में, तो उसे इम्पैक्ट कॉस्ट कहते हैं। तो इसके बेसिस पे ग्रुप वन और ग्रुप टू और ग्रुप थ्री में क्लासिफिकेशन किया जाता है। अगर इम्पैक्ट कॉस्ट 1% से लेस है और 80% ऑफ द ट्रेड डे में वो ट्रेड हो रहा है शेयर, तो उसको ग्रुप वन में लेते हैं, और अगर इम्पैक्ट कॉस्ट 1% से ज़्यादा है और 80% डे पे वो ट्रेड होता है तो ग्रुप टू, और बचे हुए सब ग्रुप थ्री में पकड़े जाते हैं। ग्रुप वन के जो शेयर्स हैं उनके लिए VAR मार्जिन जो होता है वो ये दो में से ज़्यादा जो भी हो वो होता है, पहला 3.5 टाइम्स ऑफ वोलेटिलिटी या फिर 7.5%, और ग्रुप टू के लिए 3.5 टाइम्स वोलेटिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी और 3 टाइम्स वोलेटिलिटी ऑफ इंडेक्स। तो इन दोनों में से हायर जो होगा वो, और अलग अलग कैलकुलेशन इसके अंदर यूज़ करते हैं। तो बेसिकली वोलेटिलिटी जो भी होगी उसके 3.5-4 गुना का हमें VAR मार्जिन पकड़ा जाता है। मतलब अगर 100 रुपये का शेयर होगा और वोलेटिलिटी इंडेक्स की 2 होगी, तो 100 रुपये पे 7 रुपये आपका VAR मार्जिन लगभग हो जाएगा। मैं एक सिंपल बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर उसके बाद इन्होंने दिया हुआ है कि एक्सट्रीम लॉस मार्जिन कैसे कंप्यूट होता है। तो एक्सट्रीम लॉस मार्जिन मतलब अभी एक क्वेश्चन है कि VAR मार्जिन तो पकड़ लिया कि हमने लॉस कितना हो सकता है एक दिन में, तो फिर एक्सट्रीम लॉस मार्जिन क्यों पकड़ रहे हैं? तो ये जो VAR मार्जिन है वो हर दिन की वोलाटिलिटी पे बेस्ड है, कि हर दिन 1 रुपये शेयर ऊपर जाता है, डिमांड एंड सप्लाई मोस्टली उसको इम्पैक्ट करते हैं, और ओवरऑल जो क्वालिटी है कंपनी की उसको वो इम्पैक्ट करता है। मगर कुछ इवेंट ऐसे होते हैं कि हिस्टोरिकल बेसिस पे, कि पिछले 5 साल में ऐसे 3-4 बार हुआ है कि एक्सट्रीम लॉस, ये जो वोलेटिलिटी वाले लॉस है उसको क्रॉस करके बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे भी ऐसे लॉस को भी पकड़ना ज़रूरी है जब हम वोलेटिलिटी को कंसिडर करते हैं किसी स्टॉक की, तो वो आ जाता है एक्सट्रीम लॉस मार्जिन में, और वो होता है द एक्सट्रीम लॉस मार्जिन फॉर एनी स्टॉक इज़ हायर ऑफ 1.5 टाइम्स द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेली नेचुरल लॉग रिटर्न्स ऑफ द स्टॉक प्राइजेस इन द लास्ट 6 मंथ और 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ द पोजिशन। सो ये एक तो 1.5 गुना होता है स्टैंडर्ड डेविएशन नेचुरल लॉग लेके, कैलकुलेशन है वो, एक फार्मूला है, या फिर दूसरा 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ द पोजिशन, जो भी पोजिशन की वैल्यू है उसका 5% होगा। दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो एक्सट्रीम लॉस मार्जिन करके पकड़ जाता है। लगभग 5% बोल सकते हैं, ऊपर का 7%, ये एक 5%, तो लगभग 7 और 5 12% लगभग, एक कैलकुलेशन टाइप में बता रहा हूँ, तो आ गया। तीसरा जो होता है मार्केट टू मार्केट मार्जिन, तो ये तो एक सिंपल है कि अगर आज 100 रुपये का शेयर है वो क्लोजिंग या फिर कोई कॉल ऑप्शन है, तो उसका सेटलमेंट होता है दिन भर, वो अलग अलग प्राइस रेंज पे ट्रेड होता है। तो आपने वो 100 रुपये में कोई शेयर खरीदा है और वो हो गया 105 रुपये, तो अभी वो दिख तो रहा है 105 रुपये, मगर आपके अकाउंट में 105 रुपये भी आने चाहिए। ये कॉल ऑप्शन के लिए सपोज मैं बता रहा हूँ, 100 रुपये का कॉल ऑप्शन आपने ख़रीदा और उसका प्राइस बढ़ के हो गया 105 रुपये, तो वो जो 5 रुपये हैं वो बढ़ गए हैं और वो आने चाहिए। तो जो भी सेलर है, जिसने भी वो सेल किया हुआ आज के डे बेसिस पे, जिसके साथ भी ट्रांजैक्शन हुआ है, तो उसके पास से वो कट हो जाते हैं और आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो वो जो चेंज है पर डे बेसिस पे, क्लोजिंग प्राइस बेसिस पे, तो उसका जो मार्जिन चेंज है, जो भी मार्जिन आपने जमा किया था उसके अंदर वो चेंज होता है, उसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। एग्जैक्ट फार्मूला MTM प्रॉफिट और लॉस टोटल बाय क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग प्राइस माइनस टोटल बाय वैल्यू माइनस इन ब्रैकेट टोटल सेल वैल्यू। ये पूरा अलग अलग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मगर बेसिक आइडिया तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि रोज़ जो चेंजेस होते हैं क्लोजिंग प्राइस बेसिस पे, तो वो M2M मार्केट में आ जाते हैं। तो तीन मार्जिन देखे अब हमने कैश में जो कंसिडर किए जाते हैं, पहला जो है VAR मार्जिन, दूसरा एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, तीसरा M2M मार्केट टू मार्केट एडजस्टमेंट मार्जिन। और ये सब VAR मार्जिन हर स्टॉक का आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? एक्चुअली NSE इंडिया की साइट पे, अगर आप कोई भी स्टॉक का जो वॉच है, डिस्प्ले है, डेटा, बेसिक डेटा जो डिस्प्ले किया जाता है, तो सबसे नीचे आप अगर देखेंगे तो VAR मार्जिन आपको दिख जाता है, VAR वैल्यू। साथ में यहाँ पे भी इन्होंने दिया हुआ है, आई थिंक ये ओल्ड है, यहाँ पे अभी नहीं मिलता है, शायद चेंज हो गया शायद, आई गेस। दूसरा अभी जो हमने देखा था वो कैश के मार्जिन्स थे, तो इसी तरीके से इसी लॉजिक पे, सिर्फ थोड़ा सा
नाम और कैलकुलेशन थोड़े से अलग हैं, तो वो FNO के लिए अलग है। पहला जो है वो इनिशियल मार्जिन और दूसरा एक्सपोजर मार्जिन, और इन दोनों के सिवाय सिंपल बेसिक जो मार्जिन होते हैं वो प्रीमियम मार्जिन होता है और असाइनमेंट मार्जिन होता है। तो फर्स्ट इनिशियल मार्जिन कैसे कंप्यूट होता है, तो फर्स्ट जो होता है वो स्पैन मार्जिन होता है, इनिशियल मार्जिन जिसको बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्पैन मतलब एक रेंज को वो रेफर कर रहा है, बट ये एक्चुअली एक स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस ऑफ रिस्क करके एक सॉफ्टवेयर है जो कि शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज है अमेरिका का, अमेरिका में शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज करके एक CME एक्सचेंज है जहाँ पे बहुत सारा बड़ा ट्रेडिंग होता है दुनिया का बहुत बड़ा। तो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो दुनिया के बड़े बड़े जो इंक्लूडिंग NSE ये स्पैन जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़ करते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर वो कैलकुलेट करता है कि इनिशियल मार्जिन स्पैन मार्जिन कितना होना चाहिए। बेसिकली वो तो एक फॉर्मूले से कंप्यूट होता है, मगर उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं या फिर जो उससे रिलेटेड थिंग्स हैं, वोलेटिलिटी दिन भर चेंज होती रहती है। कभी सुबह में कुछ बड़ा इशू हो गया तो वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, वोलेटिलिटी इंडेक्स में वो रिफ्लेक्ट होती है, तो वो इसमें भी कंसिडर होता है। तो दिन में 6 बार वो कैलकुलेट करता है स्पैन मार्जिन्स, एक बार सुबह में मार्केट में स्टार्ट में, एक बार क्लोजिंग डे के क्लोजिंग पे, और दिन भर 4 अलग अलग टाइम पे कैलकुलेट करता है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता नहीं है, तो ये एक इंटरेस्टिंग थिंग इस डॉक्यूमेंट से पता चलती है। दूसरा होता है एक्सपोजर मार्जिन। एक्सपोजर मार्जिन कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला है जो एक्चुअली मैं यहाँ पे दिखा चुका हूँ, तो यहाँ पे 4.24 ये लेटेस्ट वैल्यू मैं दिखा रहा हूँ, इस डॉक्यूमेंट में थोड़े ओल्ड वैल्यूज़ हैं। तो ये भी एक फॉर्मूले से कैलकुलेट होते हैं, मोस्टली 5% लगभग आप पकड़ सकते हैं कि स्पैन मार्जिन होगा और 4 से 5% ये एक्सपोजर मार्जिन होगा। ओके और दूसरा तीसरा जो बचा हुआ है प्रीमियम और असाइनमेंट मार्जिन कैसे कंप्यूट होता है। तो अगर आप कोई कॉल बाय करते हैं, तो कॉल की जो प्राइस आप बाय कर रहे हैं, तो बेसिक कॉस्ट ऑफ कॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट की जो कॉल प्राइस है वो प्रीमियम मार्जिन होती है। और जब एक्सपायरी नज़दीक आती है, तो अभी रिसेंटली तो बहुत सारे स्टॉक में कैश सेटलमेंट किया हुआ है, तो वो जो मार्जिन कलेक्ट होता है उसको असाइनमेंट मार्जिन कहते हैं, कि जिसके हिसाब से वो उस पर्टिकुलर लॉट के लिए उस वैल्यू पे सेटलमेंट के लिए लगने वाले जो मार्जिन है उसको असाइनमेंट मार्जिन कहते हैं। और बाकी तो क्वेश्चंस इसमें बेसिक ही हैं। यहाँ पे वोलाटिलिटी का कैलकुलेशन इन्होंने दिया हुआ है, और स्टैंडर्ड एविएशन का भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है। तो ये मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड है, तो अगर आपको चाहिए तो आप ये एग्जांपल और फॉर्मूले के साथ देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको समझना है तो आप ट्राई कर सकते हैं। और इम्पैक्ट कॉस्ट का भी इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है डिटेल में एग्जाम्पल के साथ, कि हर हर स्टॉक के लिए इम्पैक्ट कॉस्ट कैसे अफेक्ट करता है, बिड और ask स्प्रेड जो होता है। तो ये एक्चुअली बेसिक कंसेप्ट है, अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। इम्पैक्ट कॉस्ट एक्चुअली थोड़ा सा डिटेल में समझने जैसी काम की चीज़ है, तो ये मार्जिन रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग था। एक्चुअली ये बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत सारे लोग इसको मुझे पता है मुझे पता है ये एटीट्यूड से इग्नोर कर देते हैं। तो हमें इसके डिटेल्स अगर समझ में आ जाते हैं, तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होते हैं इससे रिलेटेड जो एक्सट्रापोलेटेड हमारी थिंकिंग होती है, तो उसको इम्प्रूव करने में भी हेल्प हो सकती है। साथ में हमारी कुछ गलतियाँ हो रही हैं, तो जो हम अज्यूम करके चल रहे हैं वो रेक्टिफाई करने में हमें हेल्प हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शेयर मार्केट फ्रेंड के नाम पे अगर आप क्लिक करते हैं, वीडियोस में जाते हैं, तो मेरे अदर वीडियोस आप देख सकते हैं। और आपके कुछ क्वेश्चन हो, जैसे कि ये वीडियो उस क्वेश्चन का आंसर था, तो वैसे मैं बनाने की कोशिश करूँगा। और आपके पास कुछ शेयरिंग डेटा हो जो आप शेयर कर सकते हैं, तो प्लीज़ शेयर कीजिए और मेरा डिस्क्लेमर ज़रूर रेफ़र कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग शेयर मार्केट फ्रेंड।